नमस्कार, नवजीवन और कौमी आवाज के दर्शकों को नमस्कार और आदाब। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश रेवतिया जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं दिल्ली में, देश में। और राजेश जी बिहार में भी कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो वहाँ के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बधाई आपको राजेश जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक महत्वपूर्ण पद पाने के लिए। और सवाल पहला यही है कि दिल्ली में क्या संभावनाएं हैं आने वाले समय में? इमीडिएट टास्क लोकसभा चुनाव है, विधानसभा भी दूर है। देखिए, दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। उत्साह की कमी नहीं है, दिशा की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से आज चार्ज तक है हमारा वर्कर, उसकी एनर्जी को सिर्फ हमने चैनलाइज करना है संगठन की मजबूती के लिए। जितना हम जनसंपर्क करेंगे, लोगों के साथ में मिलेंगे, हमारे जो नेता हैं, लीडर्स हैं, एक अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। अभी तक जो बयान आए हैं कांग्रेस नेताओं के, वो मोटा मोटी यह है कि इस रिजीम ने ये नहीं किया, एक रोड मैप हम पब्लिक को ऑफर क्या करने वाले हैं इन चुनाव में, उस पर अगर कुछ रोशनी डालें। देखिए, पिछले 15 साल जो गए, जिसमें शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें दिल्ली का एक चहुमुखी विकास हुआ। और सिर्फ दिल्ली के विकास को हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं सराहा, बल्कि विदेशों में भी उसकी सराहना हुई। वो विकास दिल्ली का पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी के रिजीम में रुक गया। और उसी तरीके से जो कॉरपोरेशन है, जो जहाँ पर बीजेपी का सत्ता है, उन लोगों ने भी आम लोगों के साथ में बहुत सारे वायदे किए थे। और वायदा खिलाफी करने के लिए बीजेपी भी बहुत मशहूर है और उसी के साथ साथ में आम आदमी पार्टी के भी नेता उसमें पूरी तरीके से उतने ही मजबूत हैं वायदा खिलाफी करने में जितने बीजेपी के नेता हैं। वायदे पूरे नहीं किए, आज लोग निराश हैं, नाराज हैं और कांग्रेस की तरफ फिर दोबारा से नज़र उठा के देख रहे हैं कि हम कांग्रेस को दोबारा लेकर आए। राजेश, जब भी कांग्रेस का त्रिकोणीय मुकाबला होता है, जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी होती है, वहाँ तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। दिल्ली में दो दुश्मन हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी। बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट लिया है। इसको लोकसभा में कैसे तोड़ा जाएगा कि वो वोट वापस आए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता है तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के जो वोट बैंक है उसी के ऊपर डेंट लगता है, क्योंकि आरएसएस की वजह से बीजेपी का वोट बैंक इंटैक्ट रहता है। लेकिन इस बार शायद आपको देखने को मिलेगा कि रिजल्ट डिफरेंट निकलेंगे। दिल्ली के अंदर लोग आम आदमी पार्टी से भी नाराज़ हैं और बीजेपी से भी नाराज़ हैं, और उसका बेनिफिट कांग्रेस के तरफ मिलेगा। सिर्फ हमको जो हमारी कमी थी, मैं उसको बड़ा खुल के बात करना चाहता हूँ कि जो हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था लोगों के साथ में, उसके अंदर हम लोग सुधार लाने का प्रयास करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और लोगों के बीच में जाना होगा हमको। जब जनसंपर्क करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो जो आपका सवाल है उसके अंदर हमको लोगों से रुझान अभी मिलना शुरू हो गया। लोगों का हमारी तरफ रुझान आ रहा है, सिर्फ उसको हमको चैनलाइज करना है। और मुझे देखो पूरी उम्मीद है कि इस बार वो ट्रायंगुलर जो कंटेस्ट है उसका बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आपने जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की वजह से पूरा सैलाब लिया है, सारे वोट उनके पास चले गए थे, 67 सीटें उन्होंने जीती थी, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस के पास लोकसभा में क्या है देने के लिए? देखिए, अगर हम बात करें जो उन्होंने वायदा किया था, हम बिजली हाफ करेंगे और पानी माफ़ करेंगे, असलियत यह है कि दिल्ली के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली में जो कांग्रेस पार्टी के समय में निजीकरण होकर जो बिजली का सुधार हुआ था, वो आज बिजली उस तरीके की नहीं है। और जो बिल भी हैं, आप देखिएगा कि जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है।
कांग्रेस पार्टी के समय में जो हमने स्लैब्स बनाए थे उसके अंदर जो पहला स्लैब था 200 यूनिट का, उसके अंदर सीधा तौर पर गरीब जो तबका था उसको बेनिफिट मिल रहा था। और यहाँ पर अभी यह हो गया कि अगर मान लीजिए 200 यूनिट से एक यूनिट भी ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं तो आपका बिल पूरा, मतलब पूरे जो ज़्यादा पूरा स्लैब स्लैब बदल जाता है वो, तो ये इसका नुकसान लोगों को पहुंच रहा है। अब लोग कंपैरिजन करने लगे, तुलना करने लगे कि शीला दीक्षित जी के सरकार में और केजरीवाल की सरकार में हम लोगों को क्या फायदे हो रहे थे और अब क्या नुकसान हो रहा है। पिछले चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त तो करीब 13 से 17 बरस की उम्र के बहुत सारे युवा थे जो इस साल वोट देंगे, उनकी संख्या मोटे तौर पे का अनुमान लगाया जा रहा है कि देश भर में 10 से 20 करोड़ के आसपास है, बहुत बड़ी जमात एक नए वोटर की जुड़ी है। युवा वर्ग है, युवा को बिजली का बिल हाफ और पानी का बिल माफ से आगे भी कुछ चाहिए। ये मोबाइल की पौध है और ऑन द गो वाली जनरेशन है, तो युवाओं के लिए जो प्रोग्राम हैं आपके उसके बारे में। बिल्कुल, देखिए जो जुमलेबाजी करके, जो झूठ बोलकर नरेंद्र मोदी ने और उनके नेताओं ने 4-4.5 साल पहले जो वायदा किया था 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देने का नौजवानों को, वो पूरा नहीं किया, जिससे नौजवान नाराज़ है। क्योंकि आपकी जो बात है बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि नौजवान को रोज़गार चाहिए, उसको अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए। अगर उसको एक दिशा नहीं मिलेगी कि उसका जो फ्यूचर है वो सही दिशा में जा रहा है और सरकार उसमें मददगार साबित नहीं हो रही है, जैसा भारतीय जनता पार्टी इस बार विफल हुई है, फेल हुई है। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्व निखर के आया है, नौजवानों के बीच में एक अच्छा मैसेज जा रहा है, जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें मैसेज जा रहा है, हर वर्ग में राहुल गांधी जी का एक अच्छा मैसेज जा रहा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो नौजवान है, महिला सुरक्षा को लेकर है, दलित हैं, मुस्लिम हैं, हर वर्ग के लोग आज ये महसूस कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी उन सब वर्ग के लोगों की आवाज़ है, जिससे आज लोगों में, नौजवानों में आकर्षण पैदा हो रहा है और जोश पैदा हो रहा है। मेरे को पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर ये कांग्रेस पार्टी को फायदा देगा। आम दिल्ली वालों में 2 सवाल उनके दिमाग में है। एक सवाल ये है कि आपका दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस का इन लोकसभा चुनाव में कौन है दिल्ली में, बीजेपी या आप? दूसरा ये है, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस और आपका कोई अलायंस होगा? देखिए, जहाँ तक दुश्मन का सवाल है, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी राजनीतिक दल जिसकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से नहीं मिलती है वो हमारे खिलाफ पार्टी है। आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, हम उसकी खिलाफत इसलिए करते हैं क्योंकि जो वायदे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे कि विकास देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, उन्होंने गरीबों के लिए रोज़गार देने की भी बात की थी, वो पूरा नहीं किया है। हर वायदे का वायदा खिलाफी हुई है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस की विचारधारा है, जिसके अंदर दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एक फिरका परस्ती का एक माहौल पैदा किया है, आज देश का प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं अपने राजनीतिक भाषणों के अंदर, जिस तरीके से मंदिर के इश्यूज़ को, मस्जिद के इश्यूज़ को जब जब उनसे विकास की बात करो तो वो लेकर आते हैं, तो हमारे लिए दोनों, हम उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, दोनों पार्टीज़ की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। और जहाँ तक आपका अलायंस का सवाल है, मैं उसमें साफ बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के अंदर उत्साह की कमी नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन में किसी भी कमजोरी की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और हमारे को सिर्फ ये करना है कि सबको संगठित कर सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस की विचारधारा है उसको रोकने के लिए हम लोगों को एकजुट होना है। दूसरा, आम आदमी पार्टी क्योंकि हमारे वोट को लेकर गई थी लोगों को गुमराह करके, उनको सब्ज बाग दिखाकर, आज वो हमारी तरफ उनको वापस लाने की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों चीज़ों में कामयाब होंगे। यानी कि अलायंस नहीं होगा? मेरे हिसाब से अलायंस नहीं होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं है, वर्कर्स के हित में नहीं है, दिल्ली के हित में नहीं है।
बीते दिनों 2016 में नोटबंदी, फिर 2017 में जीएसटी, इसने दिल्ली में एक बहुत बड़ा, दिल्ली का सदर बाजार खास तौर से पूरी देश का सबसे बड़ा थोक बाजार माना जाता है, बाकी पुरानी दिल्ली के तमाम जो बाजार हैं जहाँ ट्रेडर कम्युनिटी है, ट्रेडर कम्युनिटी के लिए कांग्रेस का संदेश क्या है? देखिए, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस टाइम पे भी सीलिंग का एक इशू उठ कर आया था, ट्रेडर्स हमारे बीच में आए, शीला दीक्षित जी के साथ में पूरे विधायक मिले और उन्होंने दिल्ली के आवाम की, ट्रेडर्स की ये बात उठाई। हम लोग सेंटर में गए जहाँ पे हमारे ही मिनिस्टर्स थे और वहाँ पर हम लोगों ने मेरे ख्याल में एक नहीं 85 अमेंडमेंट्स लेकर आए दिल्ली के ट्रेडर्स को सीलिंग से राहत देने के लिए। आज ट्रेडर्स जो एसोसिएशंस हैं वो परेशान हैं, ट्रेडर्स परेशान हैं, जो मध्यम वर्ग का ट्रेडर है, जो हर वर्ग का जो ट्रेडर है वो पूरी तरीके से परेशान है। एक तो नोटबंदी का उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नोटबंदी से फ़ायदा क्या हुआ, जो 5 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के बिजनेस करने वाले लोग थे दिल्ली के अंदर, उनका बिजनेस ख़त्म हो चुके हैं। सदर बाज़ार ही नहीं, तमाम हर बाज़ार के अंदर जाइए, वहाँ पर लोग जब हम लोग जाते हैं तो परेशान हैं, उनके पास में धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है। गलत इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज अ गुड स्कीम, गुड स्कीम, बट द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन उसका ठीक तरीके से नहीं हो पाया, जिसका नुकसान, जिसका खमियाजा जो व्यापारी वर्ग है उसको भुगतना पड़ा रहा। और व्यापारी वर्ग आज की तारीख में सीलिंग को लेकर, जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आम आदमी पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। कांग्रेस का क्या संदेश है? कांग्रेस का संदेश है कि जिस तरीके से जब उनके पास में उसके उनके ऊपर ये परेशानी आई थी कुछ साल पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको राहत पहुँचाई थी। हम उनसे चाहेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत कीजिए, कांग्रेस के साथ में आएंगे, हम लोग सरकार में आएंगे तो जो दिक्कतें उन लोगों को आ रही हैं आज की तारीख में उससे उनको पूरी तरीके से हम राहत पहुंचाएंगे। राहुल गांधी जी ने कल एक संदेश दिया कि सिर्फ 100 दिन बचे हैं देश को मोदी जी के अत्याचारी शासन से मुक्ति मिलने वाली है, दिल्ली के लोगों को भी, दिल्ली के लोगों को सिर्फ मोदी जी का शासन नहीं, आम आदमी पार्टी के शासन से भी मुक्ति चाहिए। लगता है आपको मुक्ति दिलाएंगे? बिल्कुल, ये देखिए हम तो सिर्फ लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को हम वो कंपैरिजन यूपी के समय का भी और शीला दीक्षित जी के समय की सरकार का भी वो चार्ट लोगों को दिखाएंगे और पिछले 5 साल में केंद्र की गलत नीतियाँ क्या रहें जो देश के हित में नहीं थी, देश के लोगों के हित में नहीं थी, और दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर किस तरीके से विकास रुक गया, किस तरीके से जो वायदे किए थे वायदे पूरे नहीं किए, वो लोगों को बताएंगे। और दिल्ली के लोग और देश के लोग, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि बहुत ही शिक्षित हैं, जागरूक हैं और वो इसके ऊपर अच्छा फैसला लेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। आपके पास बिहार का भी चार्ज है, बिहार में क्या स्थिति है कांग्रेस के तालुक से? मुझे अभी पिछले 6 महीने से बिहार में काम करने का मौका मिला, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जो जिस तरीके से समर्थन मूल्य देने की बात किसानों को की गई थी, बिहार का किसान उसकी और उसकी आवाज़ राहुल गांधी जी ने उठाई थी, बिहार का किसान राहुल जी की उस लड़ाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और उसका अच्छा संदेश हमको जा रहा है। और हम लोगों ने वहाँ पे किसानों के लिए सभाएं की, किसानों के बीच में गए और उनको बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपको जो उनके फसल का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, जो उनको कर्जा माफ़ करने की बात की थी वो पूरा नहीं हुआ, और राहुल गांधी जी के ऊपर उनको विश्वास उन लोगों ने जताया। और अभी 3 तारीख को राहुल गांधी जी पटना भी जा रहे हैं जन आकांक्षा रैली के अंदर, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, मैं कहूँगा हर गांव से
लोग निकल निकल कर, खास तौर पे किसान, नौजवान और महिलाएं उसमें शामिल हो रही हैं। और मज़े की बात एक और बताना चाहता हूँ कि हमने उनको ये कहा कि हम आपको, आपके लिए कोई सुविधा प्रदान करें कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि नहीं, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी अगर हमारी लड़ाई लड़ रही है तो हम अपने किराए से, अपने खर्चे से पटना पहुँचेंगे और उस रैली को सफल बनाएंगे। जन आकांक्षा रैली में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी जी। आकांक्षाएं जनता की भी हैं, आकांक्षाएं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हैं, आकांक्षाएं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी हैं। देश की आकांक्षाएं अब आने वाले समय में जो चुनाव होना है 3 महीने बाद, उस पर लगी हुई हैं। क्या नतीजे होंगे ये हम सब लोग को मई के आखिरी सप्ताह तक मालूम पड़ जाएगा। अभी इतना ही। राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।